हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मजमूर में। आज के वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ कुछ पॉपुलर और कुछ ऐसे गैजेट्स जो मेरे लिए भी नए हैं। तो टेस्ट करूंगी और देखूंगी कि क्या ये सच में काम करते भी हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आज ट्राई कर रही हूँ ये है छोटे से प्लास्टिक एंड सिलिकॉन के कॉम्बिनेशन वाले टॉवल हैंगर्स। इनके साथ ही टू साइड टेप भी आया है जिन्हें यूज करके आप इसे वॉल से लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप इसे लैमिनेट के ऊपर या टाइल के ऊपर लगाएंगे तो इसकी पकड़ ज्यादा अच्छी होगी। इसका बीच का हिस्सा सिलिकॉन का है तो इसमें जो टॉवल होता है यानी टॉवल हैंड टॉवल ही चीजें अटक जाती है। तो अब देखते हैं कि कितने अच्छे से अटकती है। यहाँ पर मैंने इसे लगाया है बैक स्प्लैश पर यानी जो किचन की टाइल होती है, टाइल पे इसकी बहुत अच्छे से पकड़ आ गई है। जो भी हैंड टॉवल आपको इसमें अटकाना है अपनी एक फिंगर में ले और इसमें अटका दें तो बहुत आसानी से इसमें हैवी वाला हैंड टॉवल या फिर हल्का वाला भी कपड़ा लग जाता है और निकालने में भी बहुत आसान है। सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन ये मुझे अच्छा लगा और ये वाकई में यूजफुल प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि बना दिया है कुछ फैंसी और काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये थम्स अप है। नेक्स्ट है ये एंटी स्प्लैश गार्ड जिसे सिंक पे यूज किया जा सकता है। सिलिकॉन का ये बना हुआ है और थोड़ा एक्सपेंसिव है, 500 की रेंज में होता तो बेटर होता। पैकिंग इस तरह की आई है कि बाद में इस पे वजन रख के आपको इसको सीधा करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसे सीधा कर लूंगी। वेल, इसका काम ये है कि जब भी हम सिंक के यहाँ पे बर्तन धोते हैं तो पानी जो है काफी सारा उड़ जाता है कपड़ों पर या फिर कई बार जो भी हमारा कॉर्नर होता है काउंटर का वहां से नीचे गिर जाता है। तो इसे आप सक्शन कप्स की हेल्प से इस तरह से आगे की तरफ सिंक की तरफ या फिर पीछे की तरफ लगा सकते हैं। हमारी किचन की ये सिंक नॉर्मल सिंक से ज्यादा बड़ी है तो थोड़ा सा गैप यहाँ पर रह गया है, लेकिन जो हमारे बिल्डर ने यहाँ पर सिंक दिया था जो फिलहाल हमारे ड्राई टेरेस में है उसके लिए एकदम परफेक्ट साइज है। मतलब स्टैंडर्ड साइज के सिंक के लिए एकदम परफेक्ट साइज है और ये सच में काम करता है। ये गैजेट भी सच में यूजफुल है, बस शुरुआत में इसे सीधा आपको करना पड़ेगा। इसे हम लगाएंगे हमारे ड्राई टेरेस पर क्योंकि हमारी मेड वहां पर बर्तन धोती है। नेक्स्ट मैं ट्राई कर रही हूँ सैलेड स्पिनर। सैलेड स्पिनर अलग अलग ब्रांड्स के हैं, मैंने आईकिया का पिक किया है। अगर आप सैलेड बना रहे हैं या नहीं भी बना रहे लेकिन हरी सब्जियां या फिर कुछ सब्जियां जो हमें सुखानी होती है धोने के बाद, तो हम जब इन्हें धोते हैं तो काफ़ी सारा पानी फिर भी रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल पालक में, तो उसका एक्स्ट्रा पानी आप निकाल सकते हैं। तो ऊपर ये ढक्कन है जो स्पिन होता है, इसके अंदर आपको बास्केट भी मिलेगी। बास्केट जो है सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है। आई थिंक इसे जानबूझकर लाइट वेट रखा गया है ताकि ये अच्छे से स्पिन हो सके, घूम सके, और ये काफी स्टर्डी इसका बाहर का बोल है। आईकिया का है तो क्वालिटी का तो यूजुअली इशू नहीं होता है, तो क्वालिटी वाइज ये काफी अच्छा है। लेट्स सी ये कितना काम करता है। यहाँ पर मैं पालक धो रही हूँ। मैंने ऑलरेडी एक चलनी ली है बड़ी वाली जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे ही जा रहा है, पर इसके बाद भी हम देखेंगे कि पालक में जो एक्स्ट्रा पानी है वो इस सैलेड स्पिनर से कितना निकलता है। तो जो भी आपका पालक है, सैलेड लीव्स है या फिर मेथी है या फिर कोई भी हरी सब्जी है, मेरे ख्याल से भिंडी भी इसमें हो जानी चाहिए, मैं भिंडी भी ट्राई करके देखूंगी बाद में। तो इस तरह से आपने इसे ऊपर पकड़ना है और घुमाना है। ऑलरेडी चलनी में धोने के बाद और झटक के थोड़ा सा डालने के बाद भी इसमें से इतना पानी निकल गया, तो ये काफी यूजफुल है। और सैलेड स्पिनर की काफी लिमिटेड ब्रांड्स हैं तो मेरे हिसाब से आईकिया एक अच्छा चॉइस है अगर सैलेड स्पिनर लेना ही है। नेक्स्ट मुझे ये गैजेट दिखा जो कि पीलर और नाइफ का कॉम्बिनेशन है, प्राइस भी 277 है। लास्ट टाइम मैंने एक मल्टी यूटिलिटी कैंची ट्राई की थी जो कि बिल्कुल काम की नहीं थी। लेट्स सी कि दो फंक्शन होने के बाद, कॉम्पैक्ट होने के बाद, ट्रैवल फ्रेंडली होने के बाद भी ये काम करता है या नहीं। तो इसमें चाकू दिया गया है और एक साइड पे पीलर है। चाकू काफी अच्छे से इसमें फिट हो जाता है, पकड़ इसकी मजबूत है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आपको बैग में रखना है फिर भी एक थैली में रखिए, पर जो भी थैली है वो फटेगी नहीं, काफी अच्छे से कैरी किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर इसे ट्राई किया और एकदम मक्खन की तरह ये पील कर रहा है, जो हमारा रेगुलर पीलर है घर में उससे भी ज्यादा अच्छा है। ये काफी तेज धार है, बहुत आसानी से पील कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका जो पीलर है ये बेस्ट है। लेट्स सी नाइफ यानी चाकू कैसा है। चाकू यहाँ पर छोटा साइज में है तो लेट्स सी कैसे कट करता है। चाकू की धार भी काफी तेज है तो मुझे ऐसा लगता है कि घर पे भी अगर आप चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं ट्रैवल में ले जाना है, इस तरह का आपको पैकेजिंग चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये एग मीटर या एग टाइमर। तो अगर आपको परफेक्ट सॉफ्ट बॉइल्ड, मीडियम या हार्ड बॉइल्ड एग चाहिए, अगर आपको अंदाजा नहीं आता है तो आप इस गैजेट का यूज कर सकते हैं। इसका कलर बदलता है, जैसे ही कलर चेंज होगा अगर ये सॉफ्ट वाली लाइन तक पहुंचे तो आप एग बाहर निकाल ले तो सॉफ्ट बॉइल मिलेगा,
वैसे अगर मीडियम तक कलर चेंज हो गया तो मीडियम और हार्ड तक जब कलर चेंज हो जाएगा येलो हो जाएगा यानी हार्ड बॉइल्ड एग। सो लेट्स ट्राई दिस। इसके ऊपर लिखा गया यानी डिस्क्रिप्शन में कि अंडों के साथ ही इसे डाल दे। अंडे कभी भी उबलते हुए पानी में नहीं डालने चाहिए, ठंडे पानी में ही शुरुआत करनी चाहिए वरना वो फूट सकते हैं, टूट सकते हैं। तो कलर चेंज होने की शुरुआत हो गई है, सॉफ्ट वाली लाइन तक इसका रंग बदल गया है, पीले रंग का ये हो गया है। तो अब मैं एक अंडा निकाल के ठंडे पानी में डाल दूंगी ताकि ये एक्स्ट्रा और कुक ना हो जाए। एक लाइन मैंने लगा दी, ये है सॉफ्ट वाला। अब जब मीडियम तक आ जाएगा तो अगला एग मैं लेके वापस से पानी में डालूंगी और इसमें मैं दो लाइंस लगा रही हूँ। अब जो तीसरा वाला है जो मैं हार्ड बॉइल रखूंगी इसमें मैं कोई निशान नहीं लगाने वाली। तो कलर ऑलमोस्ट पूरा येलो हो गया है, मतलब ये हार्ड बॉइल्ड एग होना चाहिए। और इसे आप बाहर निकाल कर रख दे, वापस से पूरा लाल हो जाएगा। इसे मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहला ये सॉफ्ट बॉइल्ड एग, छीलने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, ये बहुत नाजुक है जबकि मैंने इसे ठंडे पानी में रखा था और मुझे लग रहा है कि ये काफी कम हुआ है। ये देखिए छीलना मुश्किल हो रहा है और वैसे तो ये काफी सॉफ्ट है अंदर से, पर छीला ही नहीं गया, इस तरह का ये हो गया है। अगर छीला ये जाता तो ये काफी अच्छा होता। नेक्स्ट देखते हैं मीडियम वाला, तो इसे भी थोड़ा सा छीलने में दिक्कत आ रही है। तो ये भी मुझसे तो ठीक से छीला नहीं गया, मुझे लगता है कि मेरे लिए टाइमर के बिना उबालना ही सही है जो मैं यूजुअली करती हूँ। अब देखते हैं हार्ड बॉइल्ड जो कि है फाइनल वाला। मेरे हिसाब से जो हार्ड बॉइल्ड है उस पर मुझे मीडियम बॉइल्ड वाला एग मिला, मतलब थोड़ा सा और बॉइल करती तब जाके हार्ड बॉइल्ड जो है वो हार्ड बॉइल्ड की तरह होता। अगर आपने भी ये गैजेट यूज किया है तो मुझे बताएं आपके लिए कैसा रहा, मे बी मैंने कुछ गलत यूज किया हो। लास्ट में ये छोटा सा ब्रश, हमारे जो सफाई वाले ब्रश होते हैं मतलब कपड़े धोने वाले, उसके मुकाबले ये छोटा है साइज में, तो छोटे स्टेन्स पर या बड़े स्टेन्स पर इसे यूज किया जा सकता है। मेरे हिसाब से बड़े स्टेन्स के लिए हमारे जो नॉर्मल ब्रश होते हैं कपड़े धोने वाले वो काम कर सकते हैं, पर छोटे स्टेन्स या बच्चों के जो छोटे कपड़े होते हैं उसके लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन है। ब्रश की क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत ही फर्म है, मतलब जल्दी ये खराब नहीं होगा। अपने नॉर्मल वाले ब्रश के अलावा अगर आपको छोटी स्पेसेस में रगड़ने के लिए छोटा ब्रश चाहिए तब आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, वरना बड़ा वाला ब्रश भी आपके काम में आएगा। आई होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और देखने में मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मजमूर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।